आज अपन बिजी के अंदर सीखेंगे कि जब अपन सेल्स का बिल बनाते हैं तो ऑटोमेटिक जो बिल नंबर वगैरह आते हैं वो किस प्रकार आते हैं, उसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन अपन कर कर देखेंगे। जैसे अपन चाहते हैं कि जब अपन सेल्स का बिल बनाएं, मैं आपको बता देता हूँ, तो अपन चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली एक फाइनेंशियल ईयर भी आगे लग कर आए। जैसे अभी 1 अप्रैल 2023 से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो अपन चाहते हैं कि हर बिल में ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल ईयर आए, जैसे 2023-24 फिर बिल नंबर जो भी है वो आए, और इस तरीके से बिल बनते रहे। तो आज पूरी ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन अपन कर कर देखेंगे बिल की, कि किस प्रकार से ऑटोमेटिक वाउचर कॉन्फ़िगरेशंस होती है, ये सब अपन प्रैक्टिकली कर कर देखेंगे। जैसे अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अभी कोई भी वाउचर नंबर ऑटोमेटिकली नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो अपने को ऑटोमेटिक में कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए अपने को एडमिनिस्ट्रेशन पर अपन जाएंगे, अपन कॉन्फ़िगरेशन पर जाएंगे, हाँ वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन पर जाएंगे। जैसे सेल्स की में अपन को करना है तो अपन सेल्स की एक सीरीज सेलेक्ट कर लेंगे। अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अभी सेल्स की एक सीरीज है मेन सीरीज, तो अपन मेन सीरीज ले लेंगे। अब वाउचर नंबर पर जाने के लिए या तो आप क्लिक कर कर जाएँ, एक शॉर्टकट की है ऑल्ट के साथ एन दबाएं, आप एन दबाएंगे तो आप यहाँ पर वाउचर नंबरिंग के कॉन्फ़िगरेशंस पर आ जाएंगे। अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में मैन्युअली कॉन्फ़िगरेशन देख ली थी, अगर वीडियो नहीं देखा है तो वो आप देख लीजिएगा। आज अपन सीखेंगे ऑटोमेटिकली, तो अपने को जाना है नंबरिंग टाइप में, अपन ले लेंगे ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली में सबसे पहला आता है रीनंबरिंग फ्रिक्वेंसी। अब देखिए रीनंबरिंग फ्रिक्वेंसी क्या होती है, जैसे सपोज करते हैं 1 अप्रैल 2023 से अपन ने बिल बनाने स्टार्ट किया, मार्च 2024 तक आए तो बिल बन गए 500। तो ये जानना चाह रहा है कि आप जब वापस एक नया नंबर लेना चाह रहे हैं, जैसे अपन चाह रहे हैं कि 1 अप्रैल 2024 आए, जब वापस बिल नंबर नया आए 1 आए, तो रीनंबरिंग कब से आप करना चाह रहे हैं, आप डेली करना चाहते हैं, मंथली करना चाहते हैं, ईयरली करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ईयरली ले लिया, अब क्या होगा, जो भी मैं 1 अप्रैल 2023 से बिल बनाऊंगा और मार्च तक जो भी बिल बनेंगे, जैसे सपोज करो 500 बिल बन गए, तो जब 1 अप्रैल 2024 आएगी तो वो रीनंबरिंग हो जाएगी वापस 1 से। तो यहाँ पर ये रीनंबरिंग का ही पूछ रहा है कि आपको डेली रखने, मंथली रखने, ईयरली रखने। तो अभी अपन यहाँ पर ईयरली रख लेते हैं। अब देखिए अपन चाहते हैं कि बिल नंबर से पहले ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल ईयर आए, तो अपन को यहाँ पर एम्बेड इन वाउचर नंबर में लेना है एस प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, बिल नंबर के आगे आ जाता है और वो आ जाएगा यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर के बाद बिल नंबर आएगा तो ईयर इन वाउचर नंबर सेपरेटर में आपको डैश लगाना है या हाइफन लगाना है, वो आप देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर हाइफन ले लिया, अब क्या होगा, प्रीफिक्स ले लिया, प्रीफिक्स में पहले फाइनेंशियल ईयर आएगा, फिर ये हाइफन आ जाएगा, फिर बिल नंबर आ जाएगा। अच्छा, जो फाइनेंशियल ईयर उसमें भी इन्होंने दो दे रखे हैं, जैसे मैंने ये वाला ले लिया तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस प्रकार से आएगा। अगर अपन फर्स्ट वाला ले लेंगे तो 23-24 आएगा। आपने कहा जी नहीं हमको पूरा चाहिए, तो आप यहाँ पर ये सेकंड वाला ले लें तो उसमें इस प्रकार से आएगा 2023-24 में, फिर 23-24 नहीं आएगा। तो एक बार अपन ने यहाँ पर प्रीफिक्स ले लिया बिल नंबर, और उसके बाद अपन ने हाइफन लगा दिया, फिर बिल नंबर आ जाए, और फॉर्मेट अपन ने रखा 2023-24। अब क्या होगा, हर बिल नंबर के आगे ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा। इसको अपन ने F2 से सेव किया। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि अपने पहले जो वाउचर्स के नंबर से डिस्टर्ब ना हो तो अपने को इसको नो रखना है। इसको नो करा और अब अपन अपनी ट्रांजेक्शन पर जाकर देखते हैं, तो आप देख पाएंगे कि अब एस अपने को सबसे पहले अपना आ रहा है फाइनेंशियल ईयर और फिर आ रहा है बिल नंबर। तो ये तो बात हुई एस प्रीफिक्स की। अब अपन सीखते हैं सफिक्स। अब अपन ने कहा जी नहीं पहले बिल नंबर आए फिर फाइनेंशियल आए, तो अपन यहाँ पर सिंपली एस सफिक्स ले लेंगे। इसको F2 से सेव कर लेते हैं, इसमें भी अपने को नो रखते हैं, यहीं से सीधा एक सेल्स के बिल में अपन चले जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि पहले बिल नंबर आ रहा है फिर फाइनेंशियल आ रहा है जब अपन ने सफिक्स सेलेक्ट किया। अब उसके बाद अपने को इसकी अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो अपन वापस वाउचर नंबर पर जाते हैं, अपने कहा जी हमें ना फाइनेंशियल ईयर शुरू में चाहिए ना एंड में चाहिए, तो आप यहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड कर देंगे। उसके बाद आता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, जो भी आप फॉर्मेट चाहें वो आप बना सकते हैं, वो फॉर्मेट अगर आप प्रीफिक्स में मिल के कॉलम में लिख देंगे तो वो शुरू में आ जाएगा। जैसे मेरी कंपनी का नाम है अभी एडुकेशन पॉइंट, मैंने लिखा AEP और स्लैश कर दिया। स्लैश करने से क्या होगा कि अब हर बिल नंबर के आगे एस प्रीफिक्स ये वाला टेक्स्ट आ जाएगा। इसको मैं F2 से सेव करता हूँ
इसको नो रहने देता हूँ और वापस अपन ट्रांजेक्शन पर चलते हैं। तो आप देखेंगे एज पर फिक्स में जो अपन ने फॉर्मेट सेट किया वो इस प्रकार से आ गया, एपी यानी अभी एडुकेशन पॉइंट। तो ये हुआ मैनुअली, अगर आप चाहें तो आप प्रीफिक्स बना सकते हैं। उसके बाद अपन सीखते हैं मैनुअली सफिक्स बनाना। तो वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन पर जाऊंगा, सेल्स पर जाऊंगा, वाउचर नंबरिंग पर जाऊंगा, और यहाँ पर मैंने कहा जी प्रीफिक्स नहीं मुझे सफिक्स चाहिए, तो पहले बिल नंबर आ जाएगा, उसके बाद ये वाला चिन्ह आ जाएगा स्लैश का, और फिर आ जाएगा एपी। तो आप देखेंगे अब पहले बिल नंबर आएगा, फिर ये जो अपन ने सफिक्स में फॉर्मेट रखा है वो आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से आप मैनुअली भी प्रीफिक्स और सफिक्स बना सकते हैं। अब उसके बाद और भी जो फंक्शन है वो अपन देख लेते हैं। अभी एक बार का अपन यहाँ पर इनको नॉट डिक्लेयर कर देते हैं। अब अपन ने कहा जी स्टार्टिंग नंबर हमको एक से चाहिए और एंडिंग नंबर आप चाहें तो बता सकते हैं। एंडिंग नंबर बताने के बाद जैसे आपने एक सीरीज बता दी कि एक बिल स्टार्ट होगा एक से, फिर उसमें बनेंगे 50 बिल, तो वो अपन ने बता दिए जैसे मैंने यस करा और एंडिंग नंबर बता दिए 50, तो अब एक जो सीरीज होगी उसमें 50 बिल ही बनेंगे, फिर वापस एक से बनने लग जाएंगे। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से भी एक नंबर का नंबर सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग नंबर ले लिया एक, स्पेसिफाई एंडिंग नंबर में बता दिया 50, 50 के बाद फिर जब आप बिल बनाएंगे तो 51 नहीं बनेगा, फिर एक से ही बनने लग जाएगा। अच्छा, वार्निंग बिफोर नंबर ऑफ वाउचर लेफ्ट, जैसे एक से 50 के आपने नंबर सेलेक्ट करे तो कितने वाउचर बच जाए इस 50 में से कि आपको वार्न कर दें कि आपकी सीरीज बंद होती। तो मैंने कहा जी 4 वाउचर बच जाए जब ये मुझे वार्न कर दे। वार्निंग में आपने कुछ मैसेज लिखना चाहे वो आप लिख सकते हैं, जैसे ओनली 4 वाउचर लेफ्ट, ये हो गया। अब क्या होगा, आप 150 बिल बनाएंगे 46 बन जाएंगे, उसके बाद ये आपको मैसेज दे देगा कि 4 वाउचर ये बचे। तो ये बात हुई इसकी। इसको भी एक बार देख लेते हैं, अपन ने एक सीरीज बना ली 150 के बिल की। इसको एक बार F2 से सेव करते हैं और इसको नो कर लेते हैं। तो ये अपन ने एक सीरीज बना ली। अब उसके बाद और भी जो फंक्शंस है वो भी अपन देख लेते हैं वाउचर नंबरिंग पर जाकर। इसको एक बार नो कर देते हैं। अब आता है बुक नंबर। बुक नंबर को अगर आपने यस किया तो आप एक बुक्स की साइज बता सकते हैं, जैसे कि एक बुक में 100 बिल बनेंगे, तो 100 बिल बनेंगे तो आप यहाँ पर 100 ले लेंगे। अब क्या होगा, एक से जो 100 बिल बनेंगे वो बुक नंबर हो जाएगा एक, फिर 101 से जो 200 बिल बनेंगे वो बुक नंबर हो जाएगा 2। तो यानी बुक का साइज बता दिया कि एक में 100 बिल बनेंगे। तो इस तरीके से आप बुक नंबर भी मेंटेन कर सकते हैं। तो ये तो था मेरा ऑटोमेटिकली वाउचर सीरीज का, और अगर आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ऑटोमेटिकली वाउचर नंबर सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक से 100 की ले ली, इसको मैं नो करता हूँ। अब आप देखेंगे कि हर बिल के आगे एक बुक नंबर लिखा हुआ आएगा। जैसे ये पहली चल रही, पहली में कितने बनेंगे 100 बिल, क्योंकि 100 का रखा। जैसे 101 बिल पर आएंगे तो बुक नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था वीडियो ऑटोमेटिकली वाउचर्स कॉन्फ़िगरेशंस का। तो अगर आप इसी सीखना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।